जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही हर पार्टी अपने अपने विचारों को लेकर मैदान में आमने सामने आ रहे हैं और अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है। शिवसेना से उम्मीदवार दमी शर्मा ने अपनी पार्टी के बारे में बोलते हुए कहा कि हमारी पार्टी लगभग पूरे पंजाब में अपने उम्मीदवार उतार रही है। अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि हल्का डेराबस्सी में उन्होंने घर घर जाकर लोगों से बात की है और उनकी मुश्किलें सुनी हैं। लोग प्रशासन और पुलिस से बेहद ज्यादा परेशान हैं और आम लोगों की सुनवाई नहीं की जाती और यहाँ पर हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हल्का डेराबस्सी में पड़ते मीट प्लांटों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ के मीट प्लांट पोल्यूशन फैला रहे हैं और इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा और ना तो प्रशासन उनके खिलाफ कुछ करता है और ना ही पोल्यूशन विभाग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है। उन्होंने कहा कि जीरकपुर से वे 30,000 वोटों से लीड करेंगे और भारी जीत दर्ज करेंगे। मुक्ति शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहाँ पर हालत इतने खराब है कि किसी की कोई भी सुनवाई नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि वह डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और हल्के से उनको लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो शर्मा जी, आज आपने जो कॉन्फ्रेंस किया अपनी डोर टू डोर कैंपेन, उसके लिए जरा बताइए कि विस्तार में क्या हुआ? मैं एक गल करनी चाहुंदा जी, जिहड़ा वाइकल दा मुद्दा, पानी दा मुद्दा चल रहा, वो पानी दे मुद्दे ते सारियां पार्टियां जिहड़ियां हैगियां ने अपनी अलग अलग राजनीतिक रोटियां सेक रहियां ने। हल्का डेराबस्सी दे अंदर इत्थे बुच्चड़खाने लगे हुए ने, जिहड़े मीट बनाउण लगे हुए, कैमिकल इंडस्ट्रियां लगियां हुई ने, वो बुच्चड़खाने जिहड़े हैगे ने वह अपना जानवरों का जिहड़ा ब्लड है, खून है जिहड़ा, वह पानी की खुदाई है, जी खुदाई करके जमीन की वो टैंकर राही छड़ रहे हैं। उस मुद्दे से किसी ने गल की अज तक? उस मुद्दे से किसी ने गल नहीं की अज तक। कैमिकल इंडस्ट्रिया वालों पानी छड़े जाता, जहरीला पानी, जिद मौत भी हो रही ने हल्के के पिंड जाके देखो आप, तो वह किसी ने कोई अंदर गल नहीं कर रहे। जी गल की जाती है वो राजे के उठे सिकली की जाती है। हल्के के जोड़ा है इन्नी गंदी समैल है, इन्ने लोग जोड़े उन्होंने बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, ना तो वह प्रशासन तो बेखबर है, ना ही वो हल्का विधायक साढ़े कुछ कर रहे हैं। हल्का विधायक साढ़े कहते हैं कि मेरा जोड़ा है ये हल्का मेरा परिवार है, तो कांग्रेस वाले भी कहते हैं कि जोड़ा हल्का है साड़ा मेरी जन्मभूमि है। तो मैं पूछना चाहता कि जन्मभूमि से हल्का परिवार ने किया अज तक की किया अज तक? तुझे इन्ने बेरोजगार जोड़े साढ़े लोग ने, इतने नौजवान वर्ग साड़ा बेरोजगार है, एक भी नौजवान अज तक नौकरी नहीं लगे कितने। इन्ना जो लोग पिंड जाइए उसे लोगों ने बेचारे हाकार जो नरक वर्गा जीवन लोग बतीत कर रहे हैं, उन्होंने बुच्चड़खाने की बदौलत और उन्होंने कैमिकल इंडस्ट्रिया की बदौलत अज तक प्रदूषण के डिपार्टमेंट जो भी बिकया हुआ है, सारे लोग मिली भुग शामिल सारे लोगों ने। तुम कुछ किया जी बुच्चड़खाना के खिलाफ, कद कंप्लेट की? शिवसेना ने समय समय सिर बुच्चड़खाना के खिलाफ आवाज बुलंद की है। पिछले जी असं 2,000 बंद का काफिला लैके एसडीएम का घराव किया, पर साडे एसडीएम साहब इन्ने सियाने ने कि उन्होंने जी करते भी जू नहीं सरकी, उन्होंने उससे कार्रवाई कोई नहीं की। उन्होंने कहा कि मेमोरेंडम साहब अगे भेज दो जी, उन्होंने अपना मेमोरेंडम साहब अपने कोल ही रख लिया, तो कोई कार्रवाई नहीं की। शिवसेना की लड़ाई किस पार्टी है, जो पार्टी कांग्रेस अकाली दल किस? शिवसेना की लड़ाई तो किसी है ही नहीं जी, शिवसेना की लड़ाई तो जी है, शिवसेना इतों जी है पूरी लीड कर रही है। जिरकपुर तो अभी घट्टो घट 30,000 वोटों के लीड करा, उन्होंने जोड़ा वहम हैगा कि शिवसेना को जो घट समर्थक ने या शिवसेना के कुछ बंदे नहीं है, तो वह बहुत गलत समर्थन का दिमाग जोड़ा है समर्थन है। अभी जोड़ा है तो पूरा लीड करा, साढ़े पूरी टीम लगी हुई हैं हल्के, और सानू पूरे हल्के का सहयोग मिल रहा है। तुम पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हो, कितना समर्थन तुम्हें जनता तो मिल रहा है या की प्रॉब्लम आ रही है? मैं तो बहुत रीनी हाँ जी हल्के का, बहुत ज्यादा मैं रीनी हाँ हल्के का कि मैंने उन्होंने इन्ना प्यार दिता है। पिछले जी एक जी रैली की नौजवान वर्ग का मैंने पूरा प्यार मिलया, और नौजवान वर्ग साडा सारे पूरे शिवसेना के नाम है। जे तुम जीते जाए हल्के वास्ते की करोगे? हो मेरे हल्के के लिए मेरिया बहुत बड़िया इच्छावान ने, बहुत जिंदा मेरे मन के अंदर चीजा ने जिड़िया मैं हल्के लिए करनी चाहता। अगर मैं हल्के के लोगों का प्यार मिले, मैं तो जेतू करार होया, तो मैं हल्के की बड़े दिल दिमाग तो सेवा करूँ। की नाम है जी? मुक्ति शर्मा, मैं यहाँ शिवसेना में अपनी महिला जी भवानी विंग की जिला अध्यक्ष हूँ। तो आपने भी डोर टू डोर कंप्लेन शुरू की है शिवसेना के लिए, तो लोगों से कैसी अपेक्षा मिल रही है आपको, आप जा रहे हो?
मैम आपने कुछ कंप्लेंट्स की हैं प्रशासन के खिलाफ, तो उनके बारे में क्या हुआ आपके साथ, कोई ऐसी घटना हुई है जिसके? बिल्कुल, हमारे साथ जितनी भी मैं आज तक मैंने देखी है महिलाओं की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। थाने के चक्कर काट काट के महिला थक के घर बैठ जाती है, वो यही सोचती है कि चलो नहीं हो रहा तो नहीं। इस बात का फायदा पूरा प्रशासन उठा रहा है। आज के टाइम में हमारे पास ऑन प्रूफ भी है कि FIR कटे होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। एक महिला अपनी कंप्लेन करती है, उसे FIR में नहीं बदलते, FIR में बदल देते हैं, तो उसके बाद कार्रवाई नहीं करते। ये सबसे ज्यादा ढुलमुल रवैया प्रशासन का है, जो आने वाले टाइम में तो बर्दाश्त नहीं होगा। अगर शिवसेना यहाँ से जीतती है तो आप महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए, जो मैं आज भी लड़ रही हूँ और आगे भी, इस बात को हम बहुत आगे तक ले जाएंगे कि एक महिला का आत्मसम्मान जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसको कहीं ठेस ना पहुंचे। ठीक है, थैंक यू। विजय जिंदल, दिव्या पंजाब TV, मोहाली।